ये देखो 4 पाउंड की चप्पल। अब मैं जा रहा हूँ गाइस देखो बिलिंग कराने, यहाँ पे बिलिंग कैसे करनी पड़ती है हमें। ये है इधर देखो यहाँ पे प्रायरी रो ये लिखा हुआ है, और ये चर्च है, ये चर्च के पीछे का है ठीक है। ये देखो, और मैं जाऊँगा इस रोड से, मतलब ये वाले ब्रिज से। गाइस कैसे हो यार आप सब लोग? तो आज मैं जा रहा हूँ पाउंडलैंड, और आज आपको पाउंडलैंड का टूर कराऊंगा मैं कि यहाँ पे पाउंडलैंड क्या है, क्या कैसे होता है यहाँ पे। तो गाइस मैं हूँ अभी पाउंडलैंड के अंदर, और मैं आपको आज पाउंडलैंड का टूर कराने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या 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 कैसे मिलता है, कितने का मिलता है यहाँ पे ठीक है। हर चीज़ इसके बारे में आज मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं ठीक है, और इससे सस्ती भी जगह है एक जो है एवरीथिंग इन 1 पाउंड, मतलब ऐसे करके 1 लेस देन 1 पाउंड ऐसे करके कोई स्टोर है यहाँ पे। तो मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगा, आज तो नहीं मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा अगर आप डिमांड पे, मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे कि उस पर भी वीडियो बना तो मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। बट इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको पाउंडलैंड का टूर कराऊंगा ठीक है, कि यहाँ पे पाउंडलैंड क्या है, कैसा है, कितने तक का सामान मिलता है, क्या है, कैसे है ठीक है, सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं आज आपको। और मैं अपने लिए कुछ सामान लेने आया हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर ठीक है। तो बिल्कुल एंड तक देखना है अगली वीडियो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तो गाइज ये देखो, ये है 50 PK नूडल्स, मतलब 50 रुपये। पास्ता है चिकन एंड मशरूम फ्लेवर 50 PK। मैगी मिल जाएगी चिकन फ्लेवर, और यहाँ पे नॉर्मल वाली भी होती है 1 पाउंड की है ये, 4 वैल्यू पैक, एक के अंदर 4 हैं 1 पाउंड की सिर्फ। ये सब चीज़ें मिलती हैं, चिकन सूप 50 पी का, मतलब 50 रुपये का। और ये सब भी हैं मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, और ये है फूड फ्रीज़र बैग्स, फॉइल पेपर वगैरह 1 पाउंड के मिलते हैं यहाँ पे सब चीज़ें। और गाइस ये देखो, ये थोड़ी कढ़ाई टाइप की है, मतलब पैन वगैरह भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं, और भाई बहुत अच्छी लगी मेरे को ये, बट मेरी मम्मी ने मना करा मेरे को इतना बड़ा बर्तन लेने से। देखो भाई मतलब कितनी अच्छी है, 5 पाउंड की है सिर्फ, 500 रुपये, और इंडिया में कितनी महंगी मिलती है। और ये देखो 2 पाउंड की ट्रे है, और ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं 1-1 पाउंड की सिर्फ, इसको हम गैस पे भी गर्म कर सकते हैं। और ये देखो ये छोटे छोटे कप्स हैं 1 पाउंड की हैं ये सिर्फ, मतलब 100 रुपये के, बट इंडिया के अंदर तो 20-20 रुपये के भी मिल जाते हैं। और ये प्लेट्स हैं देखो 1-1 पाउंड की, बोल्स वगैरह हैं, और ये कप्स वगैरह रखे हैं 1-1 पाउंड के हैं सब, मतलब कितना सस्ता है यहाँ पे। और ये पता नहीं क्या है, ये है टेप्स वगैरह हैं, ब्रशेस वगैरह हैं, और ये भी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और ये प्ले स्टोर के कार्ड्स वगैरह थे। और आगे देखो और क्या क्या, बिस्किट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, चिकन वगैरह, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे इस जगह पे। और ये देखो लड़कियों के कपड़े हैं यहाँ पे, और ये वैनिश भी है यहाँ पे, और ये पाउडर सर्फ, बहुत सारी चीज़ें 1 पाउंड का सिर्फ सर्फ मिल रहा है यहाँ पे, और इंडिया में कितने महंगे महंगे मिलते हैं भाई। और मेरे को अभी वैनिश भी लेना है वैसे एक, पर देखते हैं अभी कौन सा लेता हूँ मैं, कौन सा वाला वैनिश, यही वाला लूँगा वैसे तो शायद, हाँ देखते हैं ज़रा। मैंने ये वाला वैनिश ले लिया वैसे अब गाइस, और आगे चलते हैं ज़रा, और देखो ज़रा भाई कितनी। और रूम फ्रेशनर्स वगैरह भी हैं ये देखो, 2-2 पाउंड के सिर्फ, 1 पाउंड का रूम फ्रेशनर, देखो भाई कितने सस्ते सस्ते हैं भाई रूम फ्रेशनर भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये क्या है, टिशूज़ वगैरह हैं फ्रेगरेंस वाले, और ये टॉयलेट रोल्स हैं 2 पाउंड के, और ये कितने पाउंड के हैं भाई, मतलब कैसे कैसे, और ये टिशू पेपर्स हैं 1 पाउंड के, इतना बड़ा पूरा पैकेट है ये 1 पाउंड का सिर्फ। और ये भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी खेलने से रिलेटेड। और ये पेडिग्री है कुत्तों का, खाना जो होता है कुत्ते का, डॉगीज और ये टॉवल्स वगैरह, हैंड टॉवल मिल जाएगा 3 पाउंड का सिर्फ, ये भी 4 पाउंड का, ये भी 4 पाउंड का, ये 3 पाउंड का, देखो भाई कितने सारे हैं यहाँ पे। और ये और पेडिग्री है, किसी को लेनी अपने लिए तो ले लो। और ये बच्चों के खिलौने भी हैं तो ये भी ले सकते हैं यार हम। और बिस्किट्स वगैरह भी हैं देखो, और ये भी और बिस्किट्स हैं, और ये जो हम जिम जाम वगैरह लेते थे ना इंडिया के अंदर लेते हैं, तो वही उसी का वगैरह है, यही है सेम है। और ये पता नहीं क्या, बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे, और बिस्किट्स भी हैं, मफिन्स, बहुत सारी चीज़ें यार, मैं आपको बस रेट दिखा रहा हूँ, कंपेयर करा रहा हूँ। ये जेलीज वगैरह जो बच्चे खाते हैं ना, और ये क्या है डोरिटोज वगैरह 1 पाउंड का, इतना बड़ा पैकेट PS5 वाला लिखा हुआ था, और ये देखो 3 पाउंड को, इतना बड़ा फैमिली पैक, 24 का पैक है वो। और ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब
मैं आपको खाली रेट का, और ये देखो किंडर जो आएगा आइसक्रीम का, ये जो सैंडविच आता है 1.50 पाउंड्स का ओनली, और ये मेरी वनीला की आइसक्रीम मैं लेके गया था 2 3 दिन पहले, इस 750 ml 1 पाउंड की। और देखो यार यहाँ पे मकेन्स वगैरह के भी मिल जाएंगे, चिकन विंग्स भी मिल जाएंगे 1.50 पाउंड्स की ओनली, और ये 1.50 पाउंड्स की, और ये गार्लिक ब्रेड 1 पाउंड की खाली। और ये वाला मैं पिज्ज़ा पहले लेके जा चुका हूँ, बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को, इतना नरम पिज्ज़ा है भाई ये, 1.39 पाउंड्स का ओनली, और यहाँ पे 1 पाउंड्स का मिल रहा है हमें, बहुत ज़्यादा नरम है। और यह है SFC, जैसे KFC होता है ना, उसी की चीज़ें बस कॉपी करके बना दी है, क्योंकि अब वो तो कर नहीं सकते। और ये डेयरी मिल्क वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे, मैं आपको सबके रेट दिखा रहा हूँ, देखते रहो आप। बर्गर, हैमबर्गर, चिकन है, और ये है पता नहीं क्या है, और बहुत सारी चीज़ें, बटर वगैरह भी रखा हुआ है, मैं वो वाला बटर लेके जाता हूँ। और आगे देखो ज़रा और क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे, मैं आपको सभी दिखा रहा हूँ, इसलिए पूरा पाउंड लैंड का टूर करा रहा हूँ। और एक बार पूरा स्टोर देखो यहाँ से, पूरा दिखता है यार यहाँ से। आइसक्रीम्स वगैरह भी हैं, ये देखो मैगनम है 50p की, इंडिया से भी सस्ती है, इंडिया में 90 की मिलती है। और हैप्पी बर्थडे कार्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे, सब चीज़ें हैं, गिफ्ट रैप वगैरह, रैपिंग पेपर हैं, और बच्चों के लिए खाने के लिए केलॉग्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट के लिए गोल्डन नगेट्स, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स भी हैं यहाँ पे केलॉग्स के, केलॉग्स, मेयोनीज, हिंस करी सॉस, टमाटो केचप, और ये हैं नान ब्रेड्स, बड़े वाले नान हैं, पास्ता सॉस, नॉवेल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। एक पाउंड के यहाँ पे सेल्स और बैटरी वगैरह भी मिल जाते हैं, और ये ड्राइंग वगैरह का सामान भी मिल जाता है यहाँ पे। और मैं यहाँ से गाइस अभी रजिस्टर भी लेके गया था अपने लिए, 1 पाउंड के रजिस्टर भी मिल जाते हैं, फाइल्स वगैरह भी मिल जाती है, नोटबुक भी मिल जाती है 1 पाउंड की सिर्फ, ओनली 1 पाउंड। और मैं ये वाला कैलकुलेटर भी लेके गया था, अभी अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है 1 पाउंड का, अभी मैं लेने आया था। और मैं आज स्पेशली यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ और अपना ये कुछ सामान लेने आया हूँ बस। और ये देखो ये टेपर, हैंडल, हेड जो भी लिखा हुआ है, पेंस वगैरह भी मिल जाएंगे, ये देखो बम्पर स्टडी बुक, बहुत सारे पेंस भी हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे वो डिओड्रेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, और ये ब्लेड्स वगैरह जो हम जिलेट में यूज़ करते हैं, और हार्पिक वगैरह है, 1 पाउंड का है यहाँ पे सब, 100 100 रुपये का, ये 2 पाउंड्स का है, ये है गिड डेटोल है, डेटोल, मेकअप का सामान, लेडीज़ का नीविया का रोज़ केयर, ये मिनरल फेस वॉश, फेस वॉश जो भी है, सॉफ्ट क्रीम, क्रीम्स वगैरह भी हैं, वैक्स स्ट्रिप्स, एक्टिव फ्रेश वैसलीन, वैसलीन भी है, जॉनसन्स बेबी का शैम्पू है, सब है, डव वैसलीन भी है छोटी वाली जो पेट्रोलियम जेली होती है। और ये देखो गाइज ये है लेडीज़ सेक्शन, वो है पीछे जेंट्स सेक्शन, ये थोड़ा छोटा सा है क्योंकि यहाँ पे बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं, 200 200 रुपए की टी शर्ट्स हैं। और ये लेडीज़ का ये है 8 पाउंड की, 8 पाउंड का ये पूरा सेट है, नाइट वियर ऊपर का पूरा और नीचे का पूरा, और ये पूरा मतलब ये जो फोटो में दिख रहा है आपको ये पूरा 8 पाउंड का, 800 रुपये का, इतना तो इंडिया में भी नहीं मिलता। और ये पूरा लेडीज़ का है, कोका कोला देखो ज़ीरो शुगर 2 पाउंड की खाली, यहाँ के रेट के हिसाब से बहुत सस्ती जगह है ये। और कुकीज़ वगैरह हैं ये देखो यहाँ पे, ये है पता नहीं कितने पाउंड की, 1 2 पाउंड की होगी ये भी, और ये भी है सब 1 पाउंड की चॉकलेट फ्लेवर, और क्या क्या है ये चीज़ स्ट्रिप्स भी हैं, लड़कियों की चप्पल 1 2 पाउंड की होगी ये भी बस। अब मैं जा रहा हूँ गाइस देखो बिलिंग कराने, यहाँ पे बिलिंग कैसे करनी पड़ती है हमें, ये है ये सामान है, इसको स्टार्ट करते हैं पहले, 6 पाउंड। ये देखो गाइस प्लीज टेक योर प्रेजेंट्स बोल रहा है, और ये मेरा वो आ गया बिल, और ये मैं वो उठाऊंगा और इसे मैं वापसी इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है गाइस, थैंक यू बोल रहा। और ये बैग लूँगा अभी मैं, ये इसका मैंने पैसे कटवाए हैं,
ये देखो ये क्रिसमस के यहाँ पे वो चल रहा है, गिफ्ट बैग जंबो गिफ्ट बैग ये करके है और ये सब है। और यहाँ पे ऑनलाइन मतलब ये बिलिंग भी करते हैं यहाँ पे, बट मैंने खुद ही करी है यहाँ पे बिलिंग अपने आप ही, ठीक है। और ये सारे काउंटर्स लगे हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह भी हैं और बैग्स वगैरह भी हैं, सब है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं हूँ यहाँ पे एक फार्मेसी के अंदर, क्योंकि मेरे को लेने हैं यहाँ पे ग्लव्स लेने हैं, मेरे को काम के लिए चाहिए होते हैं, जो मेरी जॉब है उन्होंने मेरे को बोला है कि ग्लव्स लेके आया करो आप भी, मतलब बिना ग्लव्स के भी कर सकते हैं, बट यार ग्लव्स के साथ ना सही रहता है, हाथ थोड़े सेफ रहते हैं। तो मैं अब एक जगह पे आया हूँ यहाँ पे, जरा आपको ये भी दिखाता हूँ थोड़ी सी कि यहाँ पे ऐसा क्या है, ठीक है, दिखाता हूँ। मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ इसके नीचे वाले पे, तो ऊपर का घुमाया, मतलब इतना कुछ खास नहीं है बट है, दिखाता हूँ, देखो ज़रा। गाइज ये देखो, ये जो है ना बंदा, ये जो नाच रहा है वहाँ पे सीधे हाथ पे मतलब पीछे, तो ये ना बॉलीवुड सॉन्ग पे नाच रहा है। जरा थोड़ी सी आपको आवाज़ सुनाता हूँ, जरा कॉपीराइट ना आ जाए। तो ये यहाँ पे अपने आगे बैग रख के नाच रहा था कि लोग इसको पैसे दे के जाएँ। मैं ज़्यादा आवाज़ इसलिए नहीं सुना रहा यार, कॉपीराइट ना आ जाए ना यार, इसलिए मतलब थोड़ा कॉपरेट करो यार, क्योंकि यार फिर पूरी वीडियो मेरी पानी में ना चली जाए ना, इसलिए मतलब छोड़ो यार उसे ना, मतलब उसे छोड़ो और आप देखो आगे का व्यू। तो हेलो गाइस, तो अभी मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, मतलब घूमते नहीं रहा, बस घर जा रहा हूँ। यहाँ पे ना हर जगह पे ऐसे आपको लोग दिख जाएंगे गाना गाते हुए, गाना बजाते हुए, और वो जो भी पीछे आदमी दिखाया था वो बॉलीवुड गाने पे डांस कर रहा था तो सब उसे देख रहे थे वहाँ पे, उसको आती इंग्लिश थी तो वो बॉलीवुड पे डांस कर रहा था। और ये देखो यहाँ पे एक और है, ये भी बजा रहे हैं, इनकी आवाज़ आ रही होगी आपको, आ रही है ना कि कैसे बजा रहे हैं। तो यार यहाँ पे यही सब है तो बहुत अच्छी जगह। वैसे मैं आपको और भी टूर कराऊंगा, अभी मैं पाउंडलैंड से सामान तो लेके आया हूँ यार, बट मेरे को ना एक ग्लव्स चाहिए थे यार, मैं जिसके लिए यहाँ पे भटक रहा हूँ वो नहीं मिल पा रहे यार मुझे, मतलब एक जगह विल्को में मेरे को मिले हैं बट कलर ना ब्लू ही मांग रहे हैं यार हमारी जो जॉब वाले हैं ना, हर जगह मेरे को येल्लो मिल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट मिल रहे हैं, बट जो मेरे को चाहिए ना यार ब्लू कलर वो कहीं भी नहीं मिल रहा यार। मैकडी भी है यहाँ पे तो, बट कोई बात नहीं यार, देखता हूँ मैं फिर भी और जगह सर्च करता हूँ। मेरे को शायद यहाँ से जाना है, नहीं आगे से भी जा सकता हूँ मैं, तो अब देखता हूँ गाइस मैं क्या करता हूँ। मैं ज़रा आपको यहाँ का लुक दिखाता हूँ, देखो ये देखो, फ्लाइंग स्टैंडर्ड वो देखो गाइस, वो देखो सामने विल्को दिख रहा है, WILKO, सोच रहा हूँ उसी के अंदर जाके ना ग्लव्स ले आऊँ। एक मेरे को मिले तो हैं यार वहाँ पे, जो हैं 2.5 pound के कुछ के हैं, तो मैं लेके आता हूँ जरा वहीं से, सोच रहा हूँ कल जॉब पे जाना है तो ले ही आता हूँ। ये देखो गाइस सामने विल्को है, अगर आप चाहते हो मैं आपको इसके अंदर का टूर दूँ पूरा, कि इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें मिलती है, तो मेरे को कम से कम 15 कमेंट्स आनी चाहिए विल्को से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। ओके गाइस, हाँ गाइस ये पीछे विल्को था, ठीक है, तो मैंने वहाँ यहाँ से ये लिया है, ग्लव्स ले लिए मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस क्या करना होता है, यहाँ पे बिलिंग वगैरह भी खुद ही करनी पड़ती है हमें। मेरे को एक चीज़ यहाँ समझ नहीं आती, जैसे इंडिया के अंदर बिग बाज़ार वगैरह है, जो स्टोर्स होते हैं उसके बाहर वो खड़े रहते हैं ना गार्ड, जो बिल के ऊपर पंच वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट यहाँ पे तो बिलिंग भी हमें खुद करनी पड़ती है और कोई बाहर देखता भी नहीं है, तो मेरे को समझ नहीं आता। और ना यहाँ पे वो बोले सेंसर्स लगे हुए हैं, जो हमारे इंडिया में जो सेंसर्स लगे होते हैं ना कि कोई लेके भाग जाए चीज़ तो वो बीप करने लग जाए, ना यहाँ पे वो हैं, तो मेरे को यार चीज़ समझ नहीं आती कि अगर मान लो जैसे कोई बंदे ने 1 pound की चीज़ ली और 10 pound की चीज़, और मैं ये चीज़ भी पाउंडलैंड का ये भी थैला भी लेके गया अंदर, और ये भी किसी ने रखा नहीं ना, इसमें किसी ने देखा, तो मैंने मतलब एक ही चीज़ की बिलिंग कराई,
तो उसके अंदर गाइज मतलब अगर कोई ऐसे करे कि मतलब जैसे बिलिंग कराए 2-2.5 pound की और ले जाए 10 pound का, तो इनको कौन सा पता लग रहा है? नहीं पता लगता तो। बट यहाँ पे कोई ऐसे करता नहीं है, और मैंने भी प्रॉपर बिलिंग के साथ कराया, बिल ले के आया हूँ, ये मतलब मिलता ही है वो तो। और मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ का सीन देखो ज़रा, कबूतर देखो यहाँ पे, प्रायरी रो ये लिखा हुआ है, और ये चर्च है, ये चर्च के पीछे का है, ठीक है, ये देखो। और मैं जाऊँगा इस रोड से, मतलब ये वाले ब्रिज से, ये मैं रात में ही आता हूँ यहाँ पे, जितनी बार आया हूँ आज फर्स्ट टाइम मैं भी ऐसे देख रहा हूँ आपकी तरह। ये देखो गाइस, ऐसे ब्रिज के ऊपर चलते हैं, यहाँ चप्पल में आया हूँ मैं और ये सामान भी लिया सारा मैंने, तो अभी जा रहा हूँ मैं ज़रा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार यहाँ पे देखने के लिए, तो कितने दिखाऊंगा मैं अब आपको, है ना यार। तो अब एंड कर देते हैं आज की वीडियो, और आप चाहते हो मेरे को कोई पर्टिकुलर वीडियो बनानी है यहाँ के टूर के लिए, कहीं के लिए भी, और हाँ आज मेरा पेपर भी, अभी मेरे को घर जाके देना है। मतलब यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम कैसा है, सुबह 6 बजे पेपर स्टार्ट है और शाम को 10 या 11 बजे ख़त्म करना है। मतलब इस टाइम के बीच में हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं पेपर, और जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं उसके 4 घंटे से पहले पहले हमें सबमिट करना है। ये देखो यहाँ पे वाटरफॉल भी है, दिखाता हूँ आपको ज़रा। तो ठीक है, तो अभी मेरा पेपर भी, अभी घर जाके पेपर दूंगा मैं, तो अब यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, और मैं आपको ज़रा वाटरफॉल दिखाता हूँ और वीडियो एंड कर देते हैं उसके बाद ही, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बाय गाइस। वो देखो वाटरफॉल, और वो है चर्च, ठीक है, और अब एंड कर देते हैं आज की वीडियो।